हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारी जो वीडियो आज की है वो है टैमर के ऊपर है। मेरे पास हैगर कंपनी का 200 टैमर है, तो चलिए मैं अभी इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये टैमर कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ज़्यादातर दोस्तों स्ट्रीट लाइट पर यूज़ किया जाता है, स्टेडियम की लाइटें होती है तो उस पर लिए यूज़ किया जाता है, और भी और जगह बहुत सारी जगह पर इसको यूज़ किया जाता है। तो दिखने में दोस्तों सेम ये वॉच की तरह है, आप देख रहे हो। ये पूरे दोस्तों ये टाइमर है 24 आवर का, आप जितना चाहे इसको सेटिंग कर सकते हैं। और इसके साथ में फ्रेंड्स डायग्राम भी दी गई है, इसको ऊपर दोस्तों फुल इंफॉर्मेशन दी गई है कनेक्शन को लेकर, आप उसी हिसाब से दोस्तों इसके कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी इसके बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो ऐसे करके दोस्तों हमारे पास टाइमर है, आप देख रहे हो 220 का दोस्तों टैमर है। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हो, ये 5 और 6 में जैसे आप में जहाँ पे सप्लाई देंगे तो इसके बीच में दोस्तों कोयल होती है जो अनचार्ज हो जाती है, इसको ऊपर एम करके भी लिखा हुआ है। 3 नंबर पे दोस्तों देख रहे हैं ये कॉमन कनेक्ट है, ये नंबर 2 पे नॉर्मल कनेक्ट है और नंबर 1 पे नॉर्मली क्लोज है। ऐसे करके दोस्तों इसके ऊपर ड्राइंग भी बनी हुई है, 1 नंबर पे नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन और कॉमन। तो चलिए अभी इसका कनेक्शन करते हैं। जैसे कि फ्रेंड मैंने आपको बोला था 5 और 6 में हम अपनी सप्लाई देंगे, तो 6 नंबर पे दोस्तों पहले मैं इसको न्यूट्रल दे लेता हूँ। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया है 6 नंबर पे और 5 नंबर मैंने फेस दे दिया है। सो फ्रेंड मैंने एक और वायर लिए, उसको क्या करेंगे, पहले इसको कॉमन देंगे, कॉमन का और फिक्स कर लेंगे। और दूसरी वाली को और जो दूसरा है उसको न्यूट्रल के साथ फिक्स कर देंगे यहाँ पे। सो फ्रेंड जैसे कर आप देख रहे हो हमारे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी इसके साथ में दोस्तों हम एक लाइट लेते हैं, तो लाइट के अभी नेक्स्ट कनेक्शन जहाँ पे करेंगे नॉर्मली क्लोज पे। जैसे फ्रेंड आप देख रहे हैं मैंने एक वाइट कलर की दोस्तों लाइट ली हुई है, तो इसके साथ में दोस्तों हमने क्या करना है, अभी इसका कनेक्शन करेंगे। अभी दोस्तों हमने क्या करना है, एक नंबर पे नॉर्मल जैसे क्लोज है दोस्तों, मैंने आपको बताया था 1 नंबर पे हमने पहले इसको इधर में वायर लगा लेंगे। नॉर्मली क्लोज पे और दूसरा वाला वायर दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा इधर से न्यूट्रल निकला हुआ है तो जहाँ पे 6 नंबर में दोस्तों हमारा फेस है, तो अभी हमको इसको अपनी लाइट को जहाँ से न्यूट्रल भेज देंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे करके दोस्तों हमारे कनेक्शन जो कंप्लीट हो चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हो। और 5 और 6 में दोस्तों हमने सप्लाई देनी है, उसके बाद में दोस्तों हमने एक जहाँ से जंप करके इस पर हमने कॉमन देनी है, फेस कॉमन जहाँ पे 3 नंबर पे दे देना है। उसके बाद में नंबर 1 पे दोस्तों हमने अपनी लाइट का कनेक्शन देना है, उसके बाद में 5 नंबर पे दोस्तों हमने इसको न्यूट्रल देना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अभी इसको ऑन करके बताता हूँ। तो ऐसे करके दोस्तों हमारी लाइट ऑन हो चुकी है नॉर्मली। तो अभी टाइमर की ओर चलते हैं दोस्तों। जैसे कि फ्रेंड आप स्विच देख रहे हो, जहाँ पे आई लिखा हुआ है, जहाँ पे क्लॉक बना हुआ है, जहाँ पे ऑन है, जहाँ पे दोस्तों क्या है, जहाँ पे परमानेंटली जहाँ पे ऑफ रहेगा आपका जो टाइमर है, जहाँ पे दोस्तों आप करेंगे तो ये ऑटो पे हो जाएगा। तो जहाँ पे दोस्तों आप मेनू जहाँ से यूज कर सकते हैं, तो आपको मैं दिखाने की जरूरत कर रहा हूँ। आप देख रहे हो दोस्तों लाइट की वजह से दोस्तों जिसका जो फोकस पूरा ख़त्म हो गया। तो चलिए दोस्तों मैं अभी इसको आपको टाइमर सेट करके बताएगा। जहाँ पे दोस्तों एक निशान देख रहे हो जहाँ से आप अपना टाइमर सेट कर सकते हैं, जहाँ से जैसे लिखा हुआ है 1 है 2 है
थ्री है, फोर है, फाइव है, जितने भी चाहे दोस्तों आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। तो चलिए मैं अभी इसको सेटिंग करके आपको बताता हूँ। तो जैसे फ्रेंड आप देख रहे हो, आप चाहते हैं हमारा लाइट 1 बजे से लेके 4 बजे तक बंद रहना चलना चाहिए। तो उसके बाद में दोस्तों हमने क्या करना है, ऐसे हमारा स्विच उतने दबा लेना है। तो उसके बाद में दोस्तों अभी देखते हैं, इसको घुमाते हैं, उसके बाद में उसी टाइम से दोस्तों ये उतना टाइम आपका लाइट बंद हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हमारा सुई वहाँ पे फिर जाएगा तो हमारा लाइट ऑन हो जाएगा। आप देख रहे हो जैसे हमने 1 से 4 बजे तक रखा था ना, उसके बाद में हमारा लाइट ऑन हो जाएगा। अब देखना जैसे आप देख रहे हो उसी हिसाब से हमारा लाइट ऑन हो चुका है। जैसे कभी आप चाहते हैं हमारा 6 से लेके 8 तक लाइट ऑन होना चाहिए। तो देखना अभी दोस्तों हिसाब से दोस्तों ये हमारा लाइट बंद हो जाएगा, उसके बाद में सुई घूमेंगे ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको कहीं भी दोस्तों आप चाहते हैं वहीं पे आप दोस्तों इसको सेटिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जहाँ पे ऑटो है और जहाँ पे ये मैनुअल ऑन रहेगा, और जहाँ पे आई पे आप परमानेंटली इसको ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं तुहानू मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ता जो मेरा चैनल आगे वाले आने वाली वीडियो आपके तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।